हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैजिक टेस्टर बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरे पास दो सिंपल टेस्टर है। तो यहाँ पर मैं इसको आप इस टेस्टर को मैं आपको मैजिक टेस्टर बना के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मैजिक टेस्टर बनाने के लिए जो दोस्तों कॉम्पोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर दो पीस ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC547। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पीस है और यहाँ पे एक हमें RGB LED मैंने ले लिया है। आप यहाँ पे रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैजिक टेस्टर बनाया है इसीलिए मैं इसमें RGB बल्ब यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक मैं ब्लूटूथ में जो बैटरी लगता है वो मैंने यूज किया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है और पतला होता है, इसलिए इस टेस्टर के अंदर में बहुत ही आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक PCB का टुकड़ा ले लिया है ताकि मैं इसको इस पर बैठा कर डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा, इससे हमें आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं कि किसका डायग्राम किस तरीका से है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है BC547 यहाँ पर कुछ इस तरीका से है। और यहाँ पर जो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो मैं PCB छोटा लिया है इसको डायरेक्ट मैं इसी तरीका से इस पर सर्किट बनाऊंगा। डायरेक्ट यहाँ पे BC547 का जैसा कि देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पिन है, फर्स्ट पिन हमारा कलेक्टर है, बीच वाला बेस है और ये नीचे वाला हमारा ईमीटर है। हमारा पहला पिन ये है, दूसरा और तीसरा ये बीच वाला है। तो हमारा एक टेस्टर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा टेस्टर होगा उसका जो पहला वाला पिन होगा दोस्तों यहाँ पे, इसका दूसरा वाला पिन जो हमारा डायरेक्ट इसमें आएगा जो कि इसमें टच होगा। और जो लास्ट वाला यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, बैटरी का जो प्लस है हमारा इसमें टच होगा, जैसे कि यहाँ पे हम टच करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये इसमें LED ग्लो करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से, जैसे कि दोनों कलेक्टर को एक साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और उसी में से एक यहाँ पे एक LED जो मैंने RGB यूज किया है उसमें माइनस वाला इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। और डायरेक्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, बेस वाला जो है आकर यहाँ पे ई मीटर में मैंने कनेक्शन किया है यहाँ पे। और ई मीटर वाला जो दोस्तों यहाँ पे, ये डायरेक्ट यहाँ से आके बैटरी के माइनस वाले में गया है। ये बैटरी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट बैटरी है। तो जैसा इस तरीका से बैटरी रहेगा तो माइनस में जाएगा और प्लस वाला हमारा LED में डायरेक्ट जाएगा। तो एक प्लस में से ही हम डायरेक्ट इसमें देंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीका से इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट इसको बना लेते हैं इस पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम था उसके जरिए यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इस तरीका से यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। और जैसे भी देख सकते हैं, ये ग्लो कर रहा है टच करते ही। जो हमारा टेस्टर होगा उस एक साइड से यहाँ पर टच होगा और एक साइड पर ये जो पिन है यहाँ पर ट्रांजिस्टर का, वहाँ पर टच होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस तरीका से ये काम करता है यहाँ पर टच करते ही। तो कुछ इस तरीका से ये बना है दोस्तों। और यहाँ पे एक पिन बना है जो कि यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पिन है हमारा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम एक टेस्टर ले लेंगे। टेस्टर का मैंने इस तरीका से अंदर का पूरा पार्ट निकाल दिया है। और यहाँ पे हम टेस्टर के हिसाब से ही जो दोस्तों PCB हम लेंगे टुकड़ा, इसके हिसाब से लेंगे जो अंदर हमारा फिट हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो बीच वाला ट्रांजिस्टर का पिन है इस तरीका से मैंने मोड़ दिया है कि यहाँ पे जो इसका पिन है अंदर से जो आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, उसमें टच हो जाए। अगर उसमें टच नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मैंने एक टच होने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे LED में बैटरी में लगा के। तो चलिए अब हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरीका से अंदर लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, इसको टच करने पे यहाँ पे ये हमारा इस तरीका से होता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।